नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम धनु राशि का वीडियो लेके आए हैं। मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है वृषभ राशि में 10 अगस्त 2022 को, और मंगल जो है 13 तीन 2023 तक वृषभ राशि में ही संचार करेगा। आपको सबको मालूम ही है कि मंगल ऊर्जा का एक प्लैनेट होता है, अग्नि तत्व प्लैनेट है, इसके पास शक्ति है, युवा है, ये सेनापति है, ये बहुत ही ताकतवर प्लैनेट होता है, और जिसकी वजह से हमारे जीवन में जो मांगलिक कार्य होते हैं वो मंगल के द्वारा ही संपन्न होते हैं। देखिए, मंगल जो है इस समय धनु राशि का पंचम भाव में चल रहा था राहु के साथ अंगारक योग बना के। आपको मालूम है अंगारक योग अच्छा नहीं होता है, लेकिन अब यही मंगल आपका सिक्स हाउस में 216 दिन के लिए आपके सिक्स हाउस में प्रवेश करेगा। छठे भाव में जब मंगल आता है, मंगल बहुत कंफर्टेबल फील होता है, कारक भाव माना जाता है ज्योतिष में। जब कोई प्लैनेट कारक भाव से निकलता है तो अच्छा फल देता है, शत्रुओं पे विजय कराता है, आपके कंपटीशन से आपको लाभ मिलता है, तरक्की होती है, जॉब में आपको फ़ायदा मिलता है, जो मेडिकल लाइन स्टूडेंट है उनको फ़ायदा करता है, डेंटिस्ट डॉक्टर्स को फ़ायदा करता है। सिक्स हाउस ऑपरेशन सर्जरी का होता है, उसमें जो डॉक्टर होते हैं उनको बहुत फ़ायदा करता है मंगल सिक्स हाउस में। होटल इंडस्ट्रीज, होटल मैनेजमेंट, जो होटल शेफ होते हैं उनको नई नई डिशेस यहाँ पर सीखने को मिलती है। मंगल होटल लाइन का भी कारक ग्रह माना जाता है। मंगल की बात करें कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शंस में भी मंगल का बहुत बड़ा रोल होता है। ब्रिक्स, सीमेंट, जो भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मटेरियल होता है वो मंगल के द्वारा ही उत्पन्न होता है। भूमि का संबंध मंगल के द्वारा माना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल का संबंध, अग्नि तत्व को चीज़ों का संबंध मंगल के साथ लिंक माना जाता है। फायर ब्रिगेड, मिलिट्री आर्मी, ये सब मंगल के पास डिपार्ट। आप समझ सकते हैं मंगल कितना तेज प्लैनेट है, हमारे खून ब्लड रिलेशंस ये भी मंगल के पास डिपार्टमेंट होते हैं। और मंगल का जो ये राशि परिवर्तन होने जा रहा है, अगर हम नक्षत्र वाइज की बात करें तो नक्षत्र वाइज मंगल 10-8-2022 को कृतिका नक्षत्र के साथ प्रवेश करेगा जो सूर्य का है, और ये 13-3-2023 तक रहेगा, उसके बाद मिथुन राशि में रहेगा। लेकिन नक्षत्र इसका जो रहेगा 26-8 को रोहिणी नक्षत्र में, 23-9 को मृगा नक्षत्र, वो भी इसका अच्छा नक्षत्र है, 10-7 को ये फिर मिथुन राशि में, 16-10 को मिथुन राशि में प्रवेश करेगा, लेकिन टोटल 20 दिन के लिए मिथुन राशि में आएगा, फिर वक्री होकर वापस वृषभ राशि में पुनः चला जाएगा। आप समझ सकते हैं कि इस बार मंगल का लंबा योग बहुत बड़ा परिवर्तन देश काल वर्ल्ड काल में होने वाला है। अगर हम इंडिविजुअल राशि जैसे धनु राशि की बात करें तो मंगल सिक्स हाउस में बहुत फ़ायदा देता है, 12th हाउस को सीधा देख रहा है। विदेश की यात्रा का योग इन 216 दिन में आपका 101% आपका आने वाला है। विदेश का ट्रिप आपको मिलेगा, विदेश में जाकर आप कोई ना कोई सेटलमेंट बनाओगे, अपने जॉब में तरक्की करोगे, कोई एमएनसी कंपनी में आपको जॉब मिलेगी। सिक्स हाउस कंपटीशन है, जैसे आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी दे रहे हैं तो कंपटीशन से विनिंग करेगा, आईएएस बनना चाहते हैं, कोई अच्छा एग्ज़ाम आपका यहाँ पर पास हो सकता है। मंगल की दृष्टि, चौथी दृष्टि पड़ रही है सीधी 9th हाउस में, वो भी लॉन्ग ट्रैवलिंग का ही होता है, हायर एजुकेशन का होता है, पिता का भी होता है, तो पिता से आपको अच्छा संबंध मिलेगा, हायर एजुकेशन में फ़ायदा करेगा, आपकी लॉन्ग ट्रैवलिंग बहुत होने वाली है, यात्राओं का समय आपका काफ़ी चलने वाला है, लग्जरी लाइफ आपको मंगल दे रहा है, क्योंकि सिक्स हाउस में शुक्र के घर में है। मंगल जब शुक्र के साथ कनेक्ट करता है ज्योतिष में तो फिल्म स्टार, स्पोर्ट्स, जितने खिलाड़ी हैं, जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा होता है। शूटिंग, अगर आप धनु राशि धनु लगन है, जो आप डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, या एक्टर हैं, या कोई हैं, आपकी शूटिंग विदेश में संपन्न हो सकती है। मंगल की दृष्टि आपकी फर्स्ट हाउस पर भी जारी है, आपके अंदर ऊर्जा काफ़ी रहेगी, आपके अंदर एक ऊर्जा के कारण आपकी बॉडी में आपको तेज देखने को मिलेगा, क्योंकि मंगल सिक्स हाउस में है तो छठे भाव से रिलेटेड चीज़ों को भी एक्टिवेट कर रहा है, वो है चोट दुर्घटना। आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, ड्राइव करते समय ज़्यादा फास्ट नहीं करना है, सचेत रहना है। मंगल की राशि जो दूसरी है वो पंचम भाव की राशि है, फिफ्थ हाउस की राशि, यानी कि आपकी बच्चों की
आपके डिसीजन की राशि है उसे मंगल सेकंड हाउस में काफ़ी अच्छे स्थान पे आ गया है, अगले भाव में लाभ में है। तो आप अपनी बुद्धि से धन कमाओगे, आप अपनी बुद्धि के द्वारा कोई ऐसे क्रिएटिव काम करोगे जिसके द्वारा आपको धन की प्राप्ति होगी। कोई एंटरटेनमेंट की चीज़ आप घर के लिए खरीदोगे इस दौरान, और आप अपने लाइफ को स्पेंड करने के लिए किसी होटल रिजॉर्ट में बच्चों के साथ घूमने भी जाओगे। आपकी ट्रैवलिंग से आपको मंगल बहुत अच्छा फायदा दे रहा है, यानी कि कुल मिलाकर क्योंकि ये आपका योग कारक प्लैनेट है मंगल, तो जो ज़बरदस्त आपको यहाँ पर लाभ मिलने वाला है मंगल का। तो ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। मंगल के लिए आप हनुमान जी की उपासना करें, आपको काफ़ी लाभ देगा। इसके साथ ही हम आपसे आज्ञा लेते हैं, नमस्कार।